शूलनी विश्वविद्यालय द्वारा पंचायत वासियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। न्यायिक विधि विभाग के द्वारा नौणी पंचायत में लगाए गए इस कैंप में छात्र एवं अध्यापकों ने आकर लोगों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं से संबंधित कानूनी सलाह भी दी। इतना ही नहीं, पंचायत में आने वाले बीपीएल परिवारों के अलावा महिलाएं, बच्चों व अन्य बुजुर्गों को कानूनी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। उसके लिए भी विभाग खुद खर्च उठाएगा, जिसमें वकील के खर्च से लेकर न्यायालय की हर फीस भी माफ की जाएगी। इस विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत केस भी करवाए जाएंगे और उनको मुफ्त कानूनी सलाह भी दी जाएगी। विश्वविद्यालय के न्यायिक विधि विभाग के विभाग अध्यक्ष ने बताया कि नौणी पंचायत में हर सप्ताह उनके विभाग द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके विभाग के छात्र पंचायत वासियों को मुफ्त कानूनी सलाह देंगे, साथ ही उनके अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक भी करेंगे। शूलनी विश्वविद्यालय सोलन की ओर से आज हमने यहाँ पर अपने न्यायिक विधि विभाग की ओर से एक शिविर का आयोजन किया, उसका आज उद्घाटन किया गया। यहाँ पर प्रधान जी बलदेव ठाकुर जी की अगुवाई में इसका पूरा हमने यहाँ आज उद्घाटन किया। तो इसके तहत हमारे विश्वविद्यालय के विधि विभाग के बच्चे यहाँ पर मुफ्त कानूनी सहायता का शिविर लगाया करेंगे और ये हर हफ्ते आकर बैठकर यहाँ पर पूरे गाँव को एक मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इस विधि सेवा के अंतर्गत किसी भी गाँव के किसी भी बुजुर्ग को, महिला को, बच्चों को, किसी भी ऐसे लोगों को जो बीपीएल परिवार से संबंधित रखते हैं, जो खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें हम हर तरह की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसमें वकील के खर्चे से लेकर उनके हर कोर्ट की फीस, हर चीज़ माफ़ की जाएगी और वो हम इस जो प्राधिकरण है इसका जिला कोर्ट में, उसके तहत हम इसको करवाएंगे केस को और उनको मुफ्त जानकारी प्रदान करेंगे।